प्राइमरी की और फॉरेन की तो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, बट अब फॉरेन कीज को हम इन डिटेल डिस्कस करेंगे कि फॉरेन कीज होती क्या है। उसके लिए एक एग्जांपल है जी, कॉलेज में रह के आप डेटा सेट क्रिएट करते हैं। जैसे आप पहले डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा क्रिएट करते हैं, डिपार्टमेंट से रिलेटेड डेटा बेस क्रिएट करते हुए आप एक टेबल क्रिएट करते हैं, और टेबल जो है उसमें आप आईडीज और डिपार्टमेंट नेम मेंशन करते हैं। लेट्स सपोज यहाँ पे आईडी जो है वो डिपार्टमेंट में 101, 102 एंड 103 है। अब 101 यहाँ पे हम कह दें कि कोडिंग डिपार्टमेंट है, 102 आपका साइंस डिपार्टमेंट है, 103 आपका आर्ट्स डिपार्टमेंट है। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट से रिलेटेड आईडीज का आपने एक टेबल क्रिएट कर। अब यहाँ पे मैं एक और टेबल क्रिएट करता हूँ जो कि टीचर से रिलेटेड, यानी कि आपने ये जो डिपार्टमेंट में टीचर्स हायर किए हैं उनका जो एक टेबल है वो क्रिएट कर लेते हैं, जिसमें उनकी इंफॉर्मेशन हम रख देते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैं एक टेबल क्रिएट करता हूँ, और इस टेबल में मैं यहाँ पे टीचर्स की आईडी और उनका नेम और डिपार्टमेंट आईडी जो है वो मैं लिख देता हूँ। अब डिपार्टमेंट आईडी क्या होगी ये देखते हैं। पहले है जी टीचर्स के नेम्स। फॉर एग्जाम्पल मैं यहाँ पे कह देता हूँ जी अहमद, हसन, सुबहान, आसिम, ये फोर हमारे टीचर्स हैं, और इन फोर टीचर्स की आईडी है जी 101, 102, 103 एंड 104। अब यहाँ पे ये किस किस डिपार्टमेंट में एज अ टीचर जॉब अपनी जो है वो दे रहे हैं, वो है जी अहमद जो है वो 102 डिपार्टमेंट है, हसन इज फ्रॉम 101, सुबहान इज आल्सो फ्रॉम 101, आसिम इज फ्रॉम 103। अगर आप यहाँ पे देखें, ऑब्जर्व करें, तो ये जो आईडी वाला कॉलम है वो यहाँ पे भी मौजूद है और ये इस टेबल में भी मौजूद है। यहाँ पे ये आईडी वाला कॉलम जो है ये एज अ प्राइमरी की आ रहा है, प्राइमरी की, और अगर हम इसी टेबल को लिंक कर दें दूसरे टेबल के साथ, तो इस टेबल में टीचर वाले टेबल में ये जो डिपार्टमेंट वाले टेबल में एज अ प्राइमरी की है, इस टेबल में ये एज अ फॉरन की आए, फॉरन की के तौर पे यहाँ पे ये डिपार्टमेंट आईडी जो है इस टेबल में आएगी, और डिपार्टमेंट की आईडी जो है ये रेफरेंसेस करती है जी ये डिपार्टमेंट टेबल में आईडी वाले स्कीमा को, आईडी वाले कॉलम। तो फॉरन की यहाँ पे हमारे पास क्या बनेगी, डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंसेस के साथ डिपार्टमेंट आईडी, यानी ये डिपार्टमेंट आईडी है आपकी डिपार्टमेंट टेबल में मौजूद आईडी वाला कॉलम, लेकिन ये जो है ये डिपार्टमेंट आईडी आपकी ये स्कीमा को डिफाइन करती है जो कि टीचर वाले टेबल में मौजूद। अब हम इसको माई एसक्यूएल में रन करके देखते। इस माई एसक्यूएल वर्कबेंच में मैंने यहाँ पे जो पहले स्टूडेंट के नेम से टेबल क्रिएट किया था उसी के अकॉर्डिंग यहाँ पे उससे नीचे मैंने डिपार्टमेंट से रिलेटेड टेबल क्रिएट कर लिया है, जिसमें लिखा है जी क्रिएट टेबल डिपार्टमेंट, डिपार्टमेंट में आईडी जो है वो इंटीजर के तौर पे लिख दी है, और इंटीजर में प्राइमरी की है, प्राइमरी की हम डिस्कस कर चुके हैं, यूनिक और नॉट नल एंट्रीज जिसमें हो, नेम आना चाहिए वेर कैर और 50 इसकी मैंने कंस्ट्रेंट दे दिया है, इसको एग्जीक्यूट कर लेते हैं। उसके बाद यहाँ पे मैंने सेकंड टेबल क्रिएट किया है जी टीचर के नाम से, टीचर में आईडी जो है इंटीजर रख दी है मैंने प्राइमरी की, और नेम वेर कैर आ गया, डिपार्टमेंट आईडी इंटीजर आए, लेकिन यहाँ पे फॉरेन की के तौर पे ये डिपार्टमेंट आईडी जो है इस डिपार्टमेंट वाले टेबल में से आईडी जो है इसकी डिपार्टमेंट आईडी रेफरेंस करती है, यानी कि ये वाली डिपार्टमेंट आईडी जो आप लिखेंगे यहाँ पे ये रेफरेंस करेगी एज अ फॉरेन की डिपार्टमेंट वाले जो टेबल है उसके आईडी वाले स्कीमा को। तो इसको भी एग्जीक्यूट कर लेते हैं, इसको एग्जीक्यूट करने के बाद यहाँ पे रिफ्रेश करते हैं, तो रिफ्रेश करने पे मुझे टेबल वाले जो हमारे पास स्कीमा है उसमें दो टेबल्स और नजर आ रहे हैं, एक डिपार्टमेंट स्टूडेंट और टीचर के नाम से। तो इस तरीके से हम अपनी फॉरेन की बना सकते हैं प्राइमरी की से और डिफरेंट टेबल्स को लिंक कर सकते हैं।